ये गर्मी है, पथराई आंखें और चलता हुआ पारा, बहुत कुछ कह रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने से लोग परेशान है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी तापमान 40 के पार पहुंच गया है। हम आपको 6 अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां गर्मी ने गदर मचा दिया है। लोग घर से निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। जला देने वाली इस गर्मी से लोग बेहाल है। दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 साल बाद ऐसी गर्मी पड़ी कि पूरी दिल्ली झुलस रही है। पालम में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। गुरुवार के दिन मौसम विभाग के मुताबिक सबसे गर्म दिन था और आज भी गर्मी से बहुत ज्यादा राहत नहीं है। अधिकतम तापमान 45 और न्यूनतम तापमान 46 डिग्री रहने की संभावना है। इससे पहले साल 1998 में पालम में तापमान 48.4 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। दिल्ली, गाजियाबाद, चंडीगढ़, हिसार, जयपुर, ग्वालियर, मतलब यह है कि राष्ट्रीय राजधानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह का आलम कुछ ऐसा ही है। चंडीगढ़ की जनता गर्मी से कैसे बेहाल है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह का आलम कुछ ऐसा ही है। चंडीगढ़ की जनता गर्मी से कैसे बेहाल है, ये उन्हीं की जबानी जानते हैं। उत्तर भारत में आज भयंकर गर्मी आज भी पड़ रही है। उफ गर्मी, हाय गर्मी, आजकल यही कुछ कहते हुए लोग नजर आते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो लू के थपेड़े और गर्म हवाओं ने पूरे उत्तर भारत में गर्मी जो है अपना कहर बरपा रही है। सूरज देवता अपने प्रचंड रूप पर है और चंडीगढ़ की बात करें तो पारा लगातार चढ़ाव पर है। 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है चंडीगढ़ में दर्ज की जा रही है। इस समय 40 डिग्री सेल्सियस पारा जो है वो पहुंच चुका है। सुखना लेक जो कि धरोहर मानी जाती है चंडीगढ़ की, इस समय हम सुखना लेक पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जहां पर पर्यटकों का तांता लगा रहता है वहां आजकल गिने चुने ही पर्यटक जो है चंडीगढ़ शहर यानी कि सिटी ब्यूटीफुल पहुंच रहे हैं और जो पहुंच रहे हैं वे पेड़ों की छांव में आराम तलाश रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में यानी कि जून के महीने में जो है गर्मी अपने प्रचंड रूप पर होगी और सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आएगी। चंडीगढ़ की बात करें तो अब तक सबसे गर्म दिन 49 डिग्री सेल्सियस रहा है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में सूरज देवता अपने प्रकोप पर होंगे और पूरा प्रचंड रूप अपना दिखाएंगे, जिसके बाद पारा और उछाल पर जा सकता है। कैमरा रुपेंद्रजीत सिंह के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। गर्मी के कहर से राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग इस वक्त काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस वक्त हम दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर से ही तापमान एक तरह से अनुमान लगाया जाता है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो करीब 46 डिग्री के आसपास बीती रोज का तापमान दर्ज किया गया था और न्यूनतम तापमान भी 36 से 37 डिग्री के आसपास तक पहुंच गया था। न्यूनतम तापमान को देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी कितनी ज्यादा है, क्योंकि अधिकतम तापमान अब 46 से 47 डिग्री तक भी जा सकता है। आने वाले कुछ और दिनों की अगर हम बात करें तो इसी तरह का आलम बना रहेगा और मौसम विभाग ने भी ये बात साफ कर दी है कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर में अभी लोगों को कुछ और दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिल सकेगी, क्योंकि मानसून अभी आने में कुछ समय और बाकी है और मानसून से पहले इसी तरह का मौसम बना रहेगा जिससे लोगों को दो चार होना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब मानसून आएगा और मानसून की बारिश होगी तो उस दौरान लोगों को कुछ राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि लगातार रोजाना अधिकतम तापमान बढ़ता जा रहा है और न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। मानसून में भी इस बार गिरावट दर्ज की जा सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने इस बार ये आशंका जताई है कि अलनीनो का असर इस पर पड़ सकता है और अलनीनो का असर अगर मानसून पर पड़ता है तो कहीं ना कहीं मानसून में कुछ कमी आ सकती है, बरसात कुछ कम हो सकती है और साथ ही साथ इसका असर फसलों पर भी पड़ सकता है। लेकिन अगर अलनीनो का असर नहीं पड़ता है तो 100% से ज्यादा बारिश इस दौरान पड़ सकती है और लोगों को कुछ इस दौरान गर्मी से राहत मिल सकती है और कहीं ना कहीं फसलों के लिए भी ये बारिश काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। अब लोगों को इंतजार है तो सिर्फ मानसून का, ताकि उन्हें गर्मी से कुछ राहत मिल सके। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है जिसने लोगों को जलाकर रख दिया है। लोग इस धूप में घर से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं और जो निकल रहे हैं उनकी अपनी अलग मजबूरी है। सबसे ज्यादा परेशान तो टूरिस्ट हैं जो गर्मी की छुट्टियों में घूमने के बहाने जयपुर आए थे, लेकिन इस धूप से उनका हाल बेहाल है। यहाँ पे गर्मी तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पर साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिस कारण से मैं बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है कि हम लोग एक दिन में पूरा घूम भी नहीं पा रहे हैं।
कि मतलब जो एनर्जी लेवल हम लोग का बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि ना जयपुर में यहाँ पे घूम पा रहे हैं ना हवा महल देख पा रहे हैं। हम लोग बस ये स्टॉल वगैरह डाल के और छांव में थोड़ा बहुत खड़े होके फिर रेस्ट कर करके हम लोग घूम पा रहे हैं। जितेश शर्मा के साथ दीपक व्यास, इंडिया न्यूज, जयपुर। ये समझिए कि अगर उत्तर भारत में पिछले डेढ़ दशक का रिकॉर्ड टूटा है तो गर्मी ने कितना बेहाल किया होगा, गर्मी ने किस हद तक झुलसाया होगा। लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं, दिन में ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर कर्फ्यू लग जाता है। मेरे सहयोगी मौजूद है लखनऊ से विपिन चौबे, भोपाल से प्रतिभा, जयपुर से दीपक व्यास और दिल्ली से नरेश बिस्वानी भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले चलेंगे भोपाल प्रतिभा के पास में। मध्यप्रदेश के बारे में प्रतिभा कहा जाता है कि हिन्दुस्तान का दिल है, वहां पर आज का तापमान क्या है, लोग कितने बेहाल हैं, घरों से निकलने की हिम्मत कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? देखिए अगर हम आगे बात करें भोपाल की तो भोपाल का तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो वहीं अगर हम मध्य प्रदेश के कई इलाकों की बात करें तो तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है। अगर हम यहाँ दिन के समय की बात करें तो सुनसान पड़ जाती है यहाँ की सड़कें, लोग बचते नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कैसे बचाव कर रही हैं इस गर्मी से। जी हम लोग बाहर निकलना कम से कम अवॉइड करते हैं कि बाहर ना निकलना पड़े धूप के टाइम पे, और निकलते भी हैं तो मुंह ढक के और पानी की बॉटल्स वगैरह सब साथ में लेके निकलते हैं जिससे गर्मी के कम से कम बच सके हम लोग। जी बिल्कुल, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश के लोगों को 15 जून से पहले राहत नहीं मिलने वाली, तो वहीं अगर बारिश की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो बारिश होगी वो कम होगी। इन लोगों से ही जानते हैं कि अगर गर्मी की बात करें तो पिछले साल और इस साल की गर्मी में कितना अंतर देखने को मिला है। बहुत अंतर है, पिछले साल जैसे हम कॉलेज आए थे तो उस टाइम बारिश हो रही थी, जून जुलाई में स्टार्ट हो गई थी, मगर इस जैसे गर्मी पड़ रही है तो मुश्किल लग रहा है कि बारिश जल्दी आएगी। तो गर्मी पड़ रही है, जैसे आप देख सकते हैं चश्मा पहना हुआ है, गन्ने का जूस ही सहारा है, तो यही सब सहारे हैं अब गर्मी में। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के लोगों की बात करें तो जगह जगह जो गन्ने के जूस हैं, लस्सी की दुकानें हैं, वहां से लोग अपने पेयजल जो है वो पीते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब आप देख सकते हैं पाउच जो होते हैं पानी के उनकी स्टॉल्स लगाई जा रही है, लोग छोटे छोटे पाउच खरीद के अपनी प्यास बुझा रहे हैं। वहीं अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि मध्य प्रदेश के लोगों को 15 जून से पहले राहत नहीं मिलने वाली है। जी हालांकि इन पाउच के जरिए कई बार ये कहा जाता है कि इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। सीधे चलते हैं विपिन चौबे के पास, लखनऊ से मेरे सहयोगी विपिन चौबे मेरे साथ जुड़े हैं। विपिन चौबे, उत्तर प्रदेश पर जब हम आते हैं तो खासतौर से पूर्वांचल और अवध बेल्ट का जो इलाका है, कहा जाता है यहां पर जब गर्मी पड़ती है तो इतनी चिलचिलाती हुई पड़ती है कि लोगों की जान तक भी ले लेती है। कई लोगों की पिछले साल हमने देखा था, कई लोगों की गर्मी और लू के थपेड़ों की वजह से मौत हो गई थी। अभी फिलहाल इस बेल्ट का हाल क्या है, लोग भी कई आपके साथ में मौजूद है, उनसे भी बात कीजिए। बिल्कुल राशिद, पिछले साल की तरह इस साल भी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी है, सड़कों पर निकलना मुश्किल है। हालात ये हैं कि अभी तक जो गर्मी पड़ी है उसे दर्जनों लोगों को लू से और गर्मी से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन गर्मी कुछ लोगों के लिए एक तरफ जहां परेशानी का सबब बनकर आती है तो कुछ लोगों के लिए राहत की बात है। राहत की बात उन लोगों के लिए, उन दुकानदारों के लिए जो इस गर्मी में राहत का सामान बेचते हैं, मसलन जहां पर नारियल पानी बिकता है, जहां पर खरबूज, तरबूज, बेल का शरबत बिकता है, वो लोग बहुत खुश हैं कि जितनी गर्मी पड़ेगी बिक्री उतनी ज्यादा पड़ेगी। और हम लखनऊ के एक इलाके में यानी शहीद स्मारक के आसपास के इलाके में मौजूद है जहां हमारे साथ दुकानदार और खरीदार दोनों मौजूद हैं, यानी गर्मी से राहत पाने वाले भी मौजूद हैं और गर्मी से पीड़ित लोग भी मौजूद हैं। पहले जिनको राहत मिल रही है उनसे जान लेते हैं कि आखिर इस गर्मी को लेकर वो क्या सोचते हैं, गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है और कितनी राहत की बात आपके लिए, क्योंकि आप दुकानदार। गर्मी ज्यादा जो पड़ेगी तो उतनी ज्यादा सेल होगी। इस वक्त तो 100-200 डाब तो रोज कटता है एक ठेले पर, ठेले तो कई लगते हैं, मतलब कुछ गवर्नमेंट के आदमी कर्मचारी मिलकर नगर निगम के मुझे नष्ट कर रखा है, 10-12 लाख रुपए के कर्जे में डुबा दिया। यानी आपकी सेल बढ़ गई और आप खुश हैं। इसके अलावा देखिए नारियल का पानी जो है वो बड़ी राहत देता है लोगों को, बेल का शरबत हो, नारियल का पानी हो, खरबूज हो, तरबूज हो, लेकिन इससे लोग राहत कितनी पाते हैं और कितना मुश्किल होता है आज के दिनों में सड़कों पर निकलना, ये बताइए कितनी मुश्किल होती है सड़कों पर निकलना और कितना जरूरी होता है तभी आप निकलते हैं और राहत पाने के लिए क्या कुछ करते हैं? बड़ा मुश्किल है भाई साहब, चल रहे हैं सड़कों में, इतनी जबरदस्त गर्मी हो रही है, धूप पड़ रही है, किसी तरीके से हम लोग नारियल पानी, बेल का शरबत पी के अपने को किसी तरीके से बचा रहे हैं, बस यही है। गर्मी बहुत जबरदस्त है, आप भी देख रहे हैं, गर्मी बहुत जबरदस्त है, राहत नहीं मिलने वाली। आपके हाथ में नारियल पानी, आप पी भी रही हैं, कुछ रिलीफ मिला है इससे? जरूर रिलीफ मिलता है। और क्या कुछ करते हैं गर्मी से बचने के लिए? बस वही धूप में ज्यादा हम लोग निकलते नहीं है, घर पे ही रहते हैं, शाम होती तभी निकलते ही हैं बस। अच्छा, आप क्या करते हैं गर्मी से बचने के लिए और कितना जरूरी होता है, या इस बार की गर्मी क्या पिछले साल से ज्यादा है?
हाँ ये बात सही है, इस बार की गर्मी पिछले साल से बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस बार काफ़ी गर्मी है और मैं खेलने जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो गर्मी की वजह से निकल नहीं पाता हूँ, इतनी निकल नहीं पाते हैं। ये बताइए, अब तो सड़क पे निकल चुके हैं, जब गर्मी इतनी पड़ी रही है तो नारियल पानी के अलावा क्या ऐसे विकल्प हैं जिसको तलाशते हैं और सबसे ज़्यादा राहत किससे मिलती है? नारियल पानी और बेसिकली हम लोग लिक्विड डाइट ज़्यादा लेते हैं, खाने में खाना कम और पीना ज्यादा होना चाहिए, खाना कम और पीना ज्यादा होना चाहिए। हालांकि रशीद, हम लोग भी सड़क पर खड़े हैं और इस गर्मी में लाइव दे रहे हैं तो गर्मी हमें भी लग रही है, जैसे ही आप हमें फुर्सत देंगे तो मैं भी इस नारियल पानी का सहारा लूंगा ताकि मेरी भी गर्मी दूर हो सके और कम से कम इस भीषण गर्मी से मुझे भी निजात मिल सके। राशिद।